Hi everyone, press the bell icon for latest updates and subscribe to the channel. सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जफर इकबाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जफर स्टूडियो में, जहां पर कॉन्सेप्ट और डिमांड आपकी होती है और फोटो एडिटिंग मेरी। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। यहां पर देखिए, आपका बैकग्राउंड जो है बहुत अमेजिंग सा है और ये फोटो एडिटिंग बहुत अमेजिंग है। यहां पर आपको आसमान पूरी तरह से गोल दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा सब कुछ मैंने किस तरह से बनाया, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा इंस्टाग्राम IGTV पर। आप लोग को पता है मैं बैकग्राउंड का जो किस तरह से बनाते हैं ये सारा अपलोड करता हूँ, और इस वीडियो में बहुत सारे डिटेल्स मैंने बताया, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, कहीं भी स्किप करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा और प्रॉब्लम होगा एडिटिंग करने में। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे टिकटॉक पर फॉलो नहीं किया तो जाओ वहाँ पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं स्पीड आर्ट का कुछ कॉन्सेप्ट पोस्ट करता हूँ, जहाँ पर पूरा शुरू से लेकर बैकग्राउंड से लेकर फुल एडिटिंग तक स्पीड में पूरा दिखाता हूँ। आई होप सो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और इसका बैकग्राउंड एंड PNG किस तरह से डाउनलोड करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ओके, सो गाइज, आपको सबसे पहले मेरा कोई भी एक वीडियो ओपन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड बैकग्राउंड एंड PNG, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या होगा कि एक ब्राउज़र ओपन होगा, या तो आपका UC ब्राउज़र हो सकता है, क्रोम हो सकता है, या फिर आपका कोई भी MI का ब्राउज़र हो सकता है, आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हो। इसके बाद आपको मेरा ब्लॉग खुलेगा, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड बैकग्राउंड एंड PNG, लेकिन अगर आप UC ब्राउज़र चलाते हैं तो आप सेटिंग्स में जाइए, पहले एड जोन में जाइए, एड ब्लॉक में जाइए, और यहाँ से एड ब्लॉक को ऑफ कर दीजिए। अगर ऑन रहता है तो ऑरेंज, अगर ऑफ होता है तो वो आपको ग्रे कलर का नज़र आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली डाउनलोड बैकग्राउंड इन PNG पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको GP लिंक ओपन होगा। ये GP लिंक ओपन होते ही आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए छोटा सा वेरीफाई होगा, इस पर क्लिक करना है, ये पहला स्टेप है। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको I am not a robot और एक चेक बॉक्स आएगा, उस पर क्लिक करना है। अगर नहीं आता तो थोड़ा देर वेट कर लीजिए, ऊपर नीचे कीजिए, वो आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से आएगा, मैं इस पर क्लिक करते ही आपको ये टिक हो जाएगा। टिक लगते ही आप समझ जाइए कि आपका हो गया। अगर नहीं होता है, अगर आपको कोई बॉक्स आ जाता है जिसमें लिखा होगा कि स्टोर का फ्रंट क्लिक कीजिए या किसी और चीज़ पे क्लिक कीजिए, तो उसको आप चेकबुक करके उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, जैसे मैंने अभी किया है, तो आपका इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। ओके, इसको पूरी तरह से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको टाइमर दिखेगा। ये टाइमर जैसे ही ख़त्म होगा आपको गेट लिंक पे क्लिक करना है, लेकिन अगर मान लीजिए ये लेट से आता है तो यहाँ पर नीचे में एक छोटा सा टैब होगा, यहाँ पर 2 लिखा होगा ब्लू कलर का सबसे नीचे में, देखिए आप उसको दबाकर पहले पेज में जा सकते हैं। अगर कोई और पेज ओपन होता है, जैसे मैं अभी गेट लिंक पर क्लिक किया तो देखिए ये यहाँ पर मैं पहले पेज पर आ गया, एक दूसरा पेज खुला था जहाँ पर आपको एड्स आएंगे बहुत सारे, वो अगर एड्स आता है तो आप पहले पेज में आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको बैकग्राउंड एंड PNG डाउनलोड करना है। सो गाइज, आपको सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना है और ये बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ हाइलाइट्स ऐड करना है, तो आपको सिंपली जाना है टूल में, टूल पर क्लिक करते ही आपको जाना है कर्व में, कर्व को सिंपली ऊपर कर दीजिए, और इसके बाद इरेजर में जाएंगे। यहाँ पर बेसिकली हमारा हाइलाइट ऐड हो रहा है, तो इन्वर्ट कर देंगे इसको, तो ये सारा कुछ गायब हो जाएगा पहले जैसा था। रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, ये एक ब्रश है, इससे हमें पेंट कर देना है जहाँ जहाँ लाइट आने का उम्मीद है, जैसे कार्बोरेटर हुआ, बोनेट हुआ, या फिर उसका छत हुआ, और हेडलाइट्स वगैरह जिसमें मैं बाद में लाइट ऐड करूँगा, इन सारी जगहों को हमें पेंट कर लेना, जिससे इसके ऊपर एक हाईलाइट का इफेक्ट आ जाएगा। तो मैं इसको डन कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको टैप करके दिखाता हूँ कि बिना हाईलाइट ऐड किए कैसा दिख रहा था और अब कैसा दिख रहा है। तो आपको समझ आ रहा होगा इसमें एक छोटा सा डिटेल ऐड हो गया। इसके बाद हमें जाना है ड्रॉ टूल में, यहाँ पर हमें अपना मॉडल सेलेक्ट करना है, तो हमें जाना है नॉर्मली लेयर में, पहला जो लेयर होगा इसके ऊपर मैं ऐड फोटो में जाकर लेयर से एक अपना मॉडल चूज़ कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड फुल HD में इरेज करना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप वीडियो देखकर सीख सकते हैं कि किस तरह से फुल HD में बैकग्राउंड को इरेज करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस फोटो को ब्लैक करना है, तो हमें सिंपली लेयर में जाकर इसको कॉपी कर लेना है,
एक एम्प्टी लेयर ले लेंगे, खाली लेयर, और इसको ब्लैक कलर से भर लेंगे। इसके बाद इसका ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई करेंगे और थ्री डॉट में जाकर इसे मर्ज कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये फोटो पूरी तरह से ब्लैक हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इरेजर में जाना है और जहाँ जहाँ लाइट आ रही है पीछे से उन सारे जगहों को हमें इरेज कर देना है। तो मैं जल्दी से इरेज कर लेता हूँ। ब्रश का सेटिंग का साइज़ आप देख लेना, आपके फ़ोटो के हिसाब से ही होगा। मैं सिंपली सारे चारों तरफ अपने बॉडी के यहाँ पर मैंने इरेज कर लिया है, जिससे क्या होगा कि लाइट का एक इफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद इसकी जो ओपेसिटी होगी इसको मैं 50% रखूँगा, थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, 51 हुआ, इट्स ओके। अब मैं इसको मर्ज कर दूँगा। इसके बाद एक और एम्प्टी लेयर, खाली लेयर लूँगा, इसको मॉडल और बैकग्राउंड के बीच में रखूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें शेडो बनाना है। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, ब्रश पे क्लिक करना और इस तरह से दो लाइन खींच देना है जिससे इतना दूर तक आएगा, और इसके बाद आपको पूरा बॉडी बनाना है। तो देखिए मैंने पैर और बॉडी दोनों पूरे अच्छे से बना लिए। अब इसका ओपेसिटी मैं डाउन रखता हूँ और इसके बाद आपको जाना इरेजर में और यहाँ पर साइज़ फुल कर लेना है, हार्डनेस को ज़ीरो रखना है और कुछ हिस्सों को इरेज कर लेना है। तो मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। इसके बाद ओपेसिटी को आधा करेंगे और इसके बाद फिर से इरेज करेंगे। अब इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर शेडो बनाना बहुत मुश्किल है, इसके वजह से मैं एक और शेडो बनाऊंगा, एक और एम्प्टी लेयर लूँगा, खाली लेयर। अब मैं इसको नीचे से हल्का से पेंट करूँगा। गाड़ी के ऊपर क्या होता है कि जब हम लोग शेडो बनाते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। इसके बाद मैं इसकी भी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दूंगा, 87%। इसके बाद इन सभी चीज़ों को मैं मर्ज कर लेता हूँ, लेकिन बैकग्राउंड को मर्ज नहीं करना है, ओके। मॉडल को छोड़ देना है, इसके साथ जो भी हमारा शेडो था, ब्लैक था, सब कुछ को मैंने मर्ज किया, बस बैकग्राउंड को मर्ज नहीं किया। अब इसके बाद फिर से आपको ऐड फोटो करना है, एक और ब्लैंक लेयर लेना है और इसमें आपको क्या करना है, विंग्स ऐड कर लेना है। तो मैंने ऐड फोटो में जाकर विंग्स ले लिया है। अब इस विंग्स को मॉडल और बैकग्राउंड के बीच में रखेंगे, जिससे क्या होगा कि आप इजीली पीछे कर पाएंगे मॉडल के पीछे। अब इन सारे लेयर्स को हम लोग मर्ज कर लेते हैं और इसके बाद ड्रॉ टूल से बाहर निकल जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारा स्टेप इतनी दूर तक समझ आया है, ओके। अब हमें क्या करना है, फिर से टूल में चलना है। टूल्स में जाने के बाद हमें एडजस्टमेंट में जाना है और इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, करीब 30%। और इसके बाद एक और चीज़ है शेडो, शेडो को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब हमें इरेजर में जाना है, इन्वर्ट करना है, रिस्टोर पर जाकर अब हमें क्या करना है, पेंट कर देना है। वही काम करना है जब हम लोगों ने वो ब्लैक वाला इरेज करते वक्त किया था। अब हमें क्या करना है, पूरे बॉडी को पेंट कर लेना है। ऐसा लगना चाहिए कि जहाँ जहाँ पर लाइट आ रही है उन सारी जगहों को मैं पेंट कर रहा हूँ। तो मैं एकदम स्पीड में कर लेता हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये देखिए मैंने इन सारी जगहों पे कर लिया। अब हमें ब्राइटनेस को बढ़ाना है, तो ब्राइटनेस में जाऊँगा और थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। तो देखिए बिना ब्राइटनेस दिए, मतलब इफ़ेक्ट दिए कैसा लग रहा था और अब कैसा लग रहा है, थोड़ा रियलिस्टिक वाला लुक आ चुका है यहाँ पर। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। इसके बाद आपको फिर से टूल में जाना है, कर्व में जाएंगे, यहाँ से हमें क्लिक करेंगे, रेड लेंगे और इसका कर्व हमें ऊपर कर लेना है। बहुत ऊपर कर लिया, बाद में इसको नीचे कर लूँगा। इरेजर में जाऊँगा, इन्वर्ट करूँगा और इसके बाद हाथों के पास पेंट कर लूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें फायर ऐड करना है, तो फायर का एक इफेक्ट भी ऐड होना चाहिए। तो मैं इसको जल्दी से यहाँ पर पेंट कर लेता हूँ। तो ये सारे हिस्सों को मैं पेंट कर लेता हूँ, ये रहा, और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जो इसको इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए हाथ पे इफेक्ट आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ कर्व को, ये ओके। अब मैं इसे डन कर देता हूँ। अब हमें आ रहा काम क्या है, हाथों के पास ये फायर ऐड करना। तो ऐड फोटो से जाकर यहाँ पर फायर ले लिया मैंने। ब्लेंड मोड को ले चलते हैं स्क्रीन पर, नॉर्मली स्क्रीन पर हो गया, जूम करेंगे और हाथ के पास इसको सेट कर लेंगे। आई होप सो हाथ के पास ये सेट हो जाएगा इस तरह से, ओके। ये परफेक्टली ऐड हो रहा है यहाँ पर, ओके डन कर देते हैं अब इसको। ये बहुत अच्छा लग रहा है और अमेजिंग सा लुक आ चुका है फ़ोटो में। अब हमें क्या करना है, फिर से ऐड फोटो में जाना है और इसके बाद यहाँ से एक फेदर का PNG आपको ले लेना है। तो ये वाला फेदर का जो PNG है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और इसको भी मैं डन कर देता हूँ। इसे लग रहा है कि पंख सब टूट कर बिखर रहा है। इसके बाद फिर से ऐड फोटो में जाएंगे, यहाँ से आपको एक येलो लाइट कलर का PNG मिलेगा, आपको इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है। इसके बाद इसको एडजस्टमेंट में जाना और इसका जो सैचुरेशन होगा इसको -100 कर देंगे क्योंकि ये वाइट आ जाएगा। इसके बाद इसका ब्लेंड मोड जो है हमें स्क्रीन पर करना है, जूम करना है और जो गाड़ी का हेडलाइट है
यहाँ पर लगाना है क्योंकि उसे जलाना ज़रूरी है। आई थिंक इसका ब्लेंड मोड ऐड रखना ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, इसके बाद हमें जाना है इरेजर में और इसके जो साइड साइड के एजेस हैं जो दिख रहे हैं, जिसे ऐसा पता लग रहा है कि मैंने फ़ोटो ऐड किया, इन सारी चीज़ों को मैं इरेज कर लेता हूँ। ओके, ये परफेक्टली यहाँ पर हो गया है। अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ, देखो आई थिंक थोड़ा और छोटा होगा। ओके, परफेक्टली बैठ गया। अब मैं इसको लेयर में जाकर डुप्लीकेट कर लूँगा और दूसरे हेडलाइट पर भी इसको सेट कर देता हूँ। ओके, ये अब अच्छा लग रहा है, काफ़ी अमेजिंग सा लुक हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से ऐड फोटो में जाएंगे। कहाँ गया ऐड फोटो, ये रहा। और यहाँ से हमें एक पीएनजी लेना है, सॉरी पीएनजी नहीं, एक फ़ोटो है इसका। इसको पहले मैं क्रॉप कर लेता हूँ, सिर्फ एक आधा क्रॉप करेंगे ये वाला हिस्सा। इसके बाद इसको एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे। एडजस्टमेंट में गया, सैचुरेशन 0 कर दूँगा, -100 सॉरी। इसके बाद थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, इसका ब्लेंड मोड चेंज करके स्क्रीन पे कर देता हूँ और इस फोटो को मैं टान कर बड़ा कर देता हूँ इस तरह से, ऐसा लगना चाहिए कि हेडलाइट जल रही है। ओके, इसके बाद इरेजर में जाएंगे और जो शार्प एजेस है मैं इसको मिटा लेता हूँ, तो अच्छे से जल्दी जल्दी मैं इसको मिटाता हूँ। ओके, अब मैं इसको कॉपी करूँगा, डुप्लीकेट हो गया, और दूसरे हेडलाइट के पास भी इसको अच्छे से सेट कर लूँगा। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि दूर है, आई थिंक ये हो गया। इसको थोड़ा सा और ऊपर करना चाहिए। ओके, परफेक्ट, ये बहुत मस्त लग रहा है। तो आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि किसी चीज़ में लाइट कैसे ऐड करते हैं। इसके बाद जाएंगे टूल में, एडजस्टमेंट में जाएंगे और इसका ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, इन्वर्ट करेंगे और जहाँ जहाँ लाइट पड़ी है हेडलाइट, उन सारे जगहों को मैं हाईलाइट कर दूँगा, पेंट कर देता हूँ नॉर्मली। ओके, यहाँ पे ओके परफेक्ट। तो ये देखिए यहाँ पर भी लाइट का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो गया। अब हमें सिंपली जाना है ड्रॉ टूल में और इस फोटो को सेव कर लेना है। इसके बाद हमें लाइट रूम ओपन करना है। लाइट रूम में भी आपका नॉर्मल काम नहीं होगा, लाइट रूम में भी बहुत सारा काम होगा जो एडवांस होगा, थोड़ा सा नॉर्मल जो हम लोग कलर का करेक्शन करते हैं उससे ज़्यादा होगा। ये हमारा लाइट रूम में फ़ोटो ऐड हो गया। इसके बाद हमें जाना है लाइट में, एक्सपोजर को थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा कम करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर लेंगे, हाईलाइट थोड़ा सा बढ़ा देंगे करीब 13%, आई थिंक शेडो भी थोड़ा सा बढ़ेगा, और यहाँ पे वाइट का तो ज़रूरत नहीं है, ब्लैक्स को थोड़ा घटा लेते हैं। इसके बाद कलर में जाएंगे, कलर में विब्रेंस बढ़ेगा, सैचुरेशन बढ़ेगा। मिक्स में जाना है अब हमें, मिक्स में जाने के बाद आपको स्काई कलर लेना है। इसका यू जो है थोड़ा सा बढ़ाएंगे करीब 64% और सैचुरेशन भी बढ़ा देंगे 52%। ब्लू कलर में जाएंगे, ब्लू कलर में आपको -42 करना है यू को, सैचुरेशन 35 और ल्यूमिनस 28। इसके बाद आपको पर्पल में जाना है, पर्पल में यू जो है 62, -62 और सैचुरेशन जो होगा 60 होगा। इफेक्ट में जाएंगे, क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं करीब 15%, डीएस को भी थोड़ा सा, ये बिल्कुल कम कम करेंगे क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। विग्नेट थोड़ा सा कम करेंगे, वही -20 पास। और इसके बाद शायद शार्पनेस जो है, शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, नॉइस रिडक्शन भी थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे और कलर नॉइस रिडक्शन भी 17 या 18 20, ओके इतना ही रखना है। इसके बाद आपको जाना है सिलेक्टिव टूल में, यहाँ से आपको जूम करना है। सबसे पहला काम, पेंट ब्रश लेना है, ब्रश का साइज 57, फ्लो 46, और इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा पंख और थोड़ा सा हाथों के पास पेंट कर देना है। लाइट में जाएंगे, एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, और कलर में जाएंगे, कलर में यहाँ पर आपको सैचुरेशन 11 बढ़ाना है, और जो कलर है पिकर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे करीब H15 के पास ले जाएंगे। ओके, और सैचुरेशन 100 का रहेगा और थोड़ा सा 8% का हमें टिंट भी बढ़ा लेना है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा लेना है। इसके बाद फिर से आपको जाना है सेलेक्टिव टूल में, यहाँ पर आपको क्या करना है, पेंट लेना है और ये जो कार का हेडलाइट है जिसमें से कलर आ रहा है इसको पेंट कर लेना है, क्योंकि हमें इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज करना है, तो इसको भी मैं धीरे से पेंट कर लेता हूँ। अब हमें जाना है कलर में, आई थिंक इसका सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ाएंगे 14%, यू जो होगा 142 और सैचुरेशन 48।
नहीं, आई थिंक थोड़ा और बढ़ाते हैं, 213 और S32। ओके, इसके बाद इसको डन कर देते हैं। तो देखिए किस तरह से ये इफ़ेक्ट आ चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने, और इस वीडियो को शेयर करना जितना हो सके। ओके, इसके बाद आपको फिर से सेलेक्टिव टूल में जाना है, सर्कल लेंगे, इस बार मून को कवर करेंगे क्योंकि मून के पास थोड़ा सा लाइट का काम करना है। थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट बढ़ाएंगे, सॉरी घटाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं, और एक्सपोजर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। और इसके बाद कलर में जाते हैं, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। यू यहाँ पे होगा आपका 208 और सैचुरेशन 33। सैचुरेशन को थोड़ा और बढ़ा लेंगे 16% के पास। ये देखिए थोड़ा सा ब्लू इफेक्ट आया है मून के पास, और रेड इफेक्ट हाथों के पास आया है, और जो हमारा हेडलाइट है वो भी चेंज हो गया कलर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अमेजिंग लगा होगा। ये फ़ोटो बनाते हैं तो टैग कीजिए, कोशिश करूँगा आप सभी को स्टोरी में मेंशन करने का, और वीडियो को ज़रूर से लाइक करना क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट करके बताना ये फ़ोटो एडिटिंग आपको कैसी लगी। आई होप सो एक नया कॉन्सेप्ट फिर से लेके आऊँगा। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।